बहुत स्पष्ट सोच है शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं, हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रस खान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रज मुन पुतनी तजी ते ही ढूंढें गजराज। हम रस खान के उपासक रहे हैं जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रस खान बसों, ब्रज गोकुल गांवों के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है, और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया है। ATS और NIA के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह PFI की गतिविधियों पर NIA के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। 4 लोगों को कल ATS ने गिरफ्तार किया है, एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर UAPA के तहत कार्रवाई हुई है, इसकी UAPA की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीज़ें आई। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी, जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ वो अपने साथ लेके चलें। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 × 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चलें। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाएं, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांग। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहा है, कांग्रेस बिखर रही है। आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है तो मैं क्या कहूँ। उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा। वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आएँ तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा ये ज़रूर बताएँ। इतनी लंबी यात्रा करने जो भारत जोड़ने निकले हैं तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए, या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएं कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।